नमस्कार, केटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। हीनों के बीच वास्क्र स्वीकृति पत्र का किया गया वितरण। 53 भूमिहीनों को सांसद व विधायक के द्वारा दिया गया स्वीकृति पत्र। बरारी प्रखंड के दक्षिणी भंडारतल पंचायत के मनरेगा भवन में कार्यक्रम आयोजित कर भूमिहीनों के बीच वास्क्र के लिए स्वीकृति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कटिहार सांसद दुलार चंद गोस्वामी, बरारी विधायक विजय सिंह एवं कटिहार विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल मौजूद थे। बताते चले, इस कार्यक्रम में प्रखंड के दो पंचायतों दक्षिणी भंडारतल व उत्तरी भंडारतल के कुल 53 भूमिहीनों को वास्क्रय स्वीकृति पत्र सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी व बरारी विधायक विजय सिंह, एमएलसी अशोक अग्रवाल, बीडीओ पूरन शाह एवं सीईओ ललन कुमार मंडल के द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया। करोड़ 25 लाख का जो है सामाजिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ। फिर एक राहुल गांधी अपना शहीद हुए थे कुर्सेला में, उसका मूर्ति का आवरण हुआ। और इसी क्रम में आपके यहाँ आने में हम लोग बता कि 5 बजे तक पहुंचेंगे। हम बहुत कुछ नहीं बोलते हुए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हम लोग हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग पहले से उनको कहते आ रहे थे कि कटिहार जिला बड़ा दुखी जिला है। कटिहार जिला नदियों से घिरा हुआ, एक तरफ हम लोग का कोसी और गंगा, जिस गंगा के किनारे हम लोग फंसे हुए हैं। वह 15 अगस्त के बाद इधर खुला जाता है और एक महीना पहले जुलाई में महानंदा नदी जो गंगा दार्जिलिंग कालिम्पोंग से आती है तो उसमें 15 जुलाई में खुला जाता है। कटिहार जिला ऐसा जिला है जिसमें साल में एक जिला में 2 बार फ्लड आता है। और जब नदी में पानी आती है तो कटा होता है, उसका वेग को कोई रोक नहीं सकता। और विजय भाई सही कह रहे थे कि 84 में अभी के कटाव में जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनको दो ढंग से बसाया जाएगा। एक तो जमीन अधिग्रहण करके ऋषियों के माध्यम से सीख कर, और एक आवासन के माध्यम से जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जैसे आज आप लोगों को दिया जाएगा जमीन खरीद करके सीधे, और फिर जमीन दिया जाएगा 7 लाख तक का जमीन, और जिनको जमीन दिया जाएगा उसमें मैंडेटरी है। भारत सरकार और बिहार सरकार ने तय करके रखा है कि जिसको जमीन खरीद करके देंगे तो उसको प्रधानमंत्री आवास भी 1,20,000 का दिया जाएगा। आवास और शौचालय उसके साथ साथ बनेगा। आज योजना के तहत की राशि मिली है शुरुआत में हमारे मन में विधायक अब हमने इसी बात का बाकी से सहयोग रहा है कि अब जो है मुझे लगता है कि जो किसानी परिवार है उन सबों को जो जमीन का पर्चा करने का काम है, जमीन माफी करने का काम है, भूमि को आवास मिलने का काम शुरुआत हो चुकी है। और मुझे लगता है 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी का सफल रहती है। हम लोग पूरे देश को पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमारे मजदूर है उनको आवास योजना के अंदर सबको आवास मिले बढ़ाने का रही है। हमारे हिंदू साहब ने अनुरोध किए हैं क्योंकि काम करने वाले लोग हैं तो जरूरी है कि लगातार तो निश्चित रूप से आने वाले दो साल में जो जितने भी हमारे भूमि परिवार है उनका आवास योजना के अंदर प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री मैं आवास योजना के अंदर खास कर रखता हूँ। और ये जो बन रहा है चलेगा जिससे कि हमारे माताएं बहने जो मकान नहीं है जिनको जमीन नहीं है उनको योजना का लाभ मिलेगा। और हमारे मुखिया जी सभी माननीय मुखिया जी जो पक्षण के मुखिया जी हैं प्रमुख साहब जो प्रमुख है जिला परिषद को सभी लोगों का सहयोग है। मुझे लगता है कि ये पंचायत को ये सब व्यक्ति भी बचे हैं।